स्नेहा द्विवेदी, आज हम करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 4. इन फिगर 10.38 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 31 डिग्री. फाइंड एंगल बी सी बी डी सी. देखिए स्टूडेंट, ये हमें एक फिगर गिवन है, ठीक है. इस फिगर में ये इस तरीके से है, ये हमारा बी सी एंड दिस इज आर पॉइंट डी, एंड यहाँ से जो ये पॉइंट है ये है हमारा ए, ठीक है. अब देखिए स्टूडेंट, हमें क्या गिवन है, ये पूरा एंगल दिया है 69 डिग्री. ए बी सी 69 डिग्री, एंड ए सी बी मतलब ये मतलब ये एंगल हमें दिया हुआ है 31 डिग्री, ठीक है. ये दिया 31 डिग्री, तो आपको दिख रहा है ये एक ट्रायंगल है, ठीक है. और एक ट्रायंगल के अंदर ये थ्री एंगल्स बन रहे हैं, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी. तो हम लिख देंगे इजीली सिंपल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम क्या होगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री. तो क्या लिख दें, एंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी प्लस एंगल ए, ए लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री. क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके. अब देखिए हमें ए बी सी, एंगल ए बी सी की वैल्यू पता है 69, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 69 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी की वैल्यू आपको पता है कितनी, 31 डिग्री, ओके. एंड एंगल ए आपको निकालना है, एंगल ए क्यों निकालना है ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको फाइंड आउट क्या करना है, बी डी सी मतलब आपको ये एंगल निकालना है, और आपको पता है कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, देखिए ये एक कॉर्ड है और ये क्या है, इसका सेगमेंट है, क्या माना है, मानते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेगमेंट. और ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट पे बन रहा है, ठीक है, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो इसीलिए जो वैल्यू इसकी होगी वो इसकी हो जाएगी. इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी, ठीक है. तो ये हो गया 180 डिग्री. अब एंगल ए क्या हो, ए प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके. एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, जिस बिकॉज की ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है. तो एंगल ए हमारा आ जाएगा 80 डिग्री, ओके, वी गॉट इट 80 डिग्री. जब ये 80 है तो एंगल डी भी क्या होगा, 80. तो क्या लिख देंगे इसको, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है. क्यों, क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, एक सेगमेंट है, सम थोड़ी कर रहे हैं, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट आर इक्वल. जो सेम सेगमेंट पे एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं. तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी था. ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वो भी हम कर लेंगे अभी. थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फॉर लेटेस्ट अपडेट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, जिस बिकॉज के आपके फीडबैक जान लें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. थैंक यू, कीप वॉचिंग.